6 अगस्त 2023 मेरी पहली इंडिपेंडेंट रोड बाइक ट्रिप जो कि मैंने करी थी अपनी पल्सर RS 200 के साथ, यानी हमारी प्यारी जेंडा के साथ। हमें निकलना था दिल्ली से सीधा छिद्रवाला। छिद्रवाला पड़ता उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार से 10-15 किलोमीटर आगे। तो हम निकल के दिल्ली की सड़कों से होते हुए हमारे प्यारे हरिद्वार यानी हर की पौड़ी, जहाँ पे हमने किया आराम से बारिश के अंदर गंगा स्नान। फिर वहाँ से हम निकल के अपने दोनों प्यारे भाइयों के घर जानी सीधा छिद्रवाला। वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ पे हमें उनके घर वालों से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। हमने थोड़ी देर आराम किया, फिर हम शाम होते ही निकल गए ऋषिकेश जानकी सेतु पुल। जानकी सेतु पुल पहुँचने के बाद वहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठे, बातचीत करी, हमने अपने मन को थोड़ी देर शांत करा। फिर वहाँ से हम निकल गए राम झूला लक्ष्मण झूला पे अपनी बाइक राइड करने। फिर वहाँ से हम अपने आते हैं प्यारे घर द्वारा वापस, और नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं एक और राइड के लिए, क्योंकि हमारे प्यारे भाई की बाइक जानी थी सर्विस पे, और सर्विस के बिना हम अपनी पूरी जो गंगोत्री की ट्रिप है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उस दिन हमने सोचा हम एक राइड लेते हैं। वहाँ से हम गए थे अग्रखाल, जहाँ पे बस हमें 25-30 किलोमीटर आगे एक पराठे खाने थे, वो भी नज़ारे लेते हुए। तो हम अपनी बाइक और स्कूटी पकड़ के निकल गए सीधा सीधा अग्रखाल, और वहाँ पे हमने खाए पराठे। फिर वहाँ से हम आते हैं वापस, और उसके दिन से चालू हो जाती है हमारी असली ट्रिप। आज से हम कर रहे हैं अपने मोटो ब्लॉग की जर्नी स्टार्ट, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि मैं दो दिन पहले यहाँ पे आ रखो और मतलब काफ़ी घूम लिया ऋषिकेश लक्ष्मण झूला वगैरह, और ऊपर भी होया है। बट अभी हम निकल रहे हैं अपनी मेन ट्रिप पे, जो कि हम काफ़ी दूर की कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर दूर है। एंड फुल पावर ये खड़ी अपनी बाइक, और बाकी भाइयों की बाइक बाहर खड़ी। तो सारे निकल रहे भाई, चार लौंडे दो बाइक पे, और मतलब मोटो ब्लॉग भाई सिस्टम पूरा सेट है। एंड लेट्स सी भाई, मैं तुम्हें सारे अपडेट्स देता रहूँगा, हर एक अपडेट। बाकी लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ से हमने पेट्रोल डलवा लिया एंड टंकी वगैरह सब फुल हो गई। एंड लेट्स सी, ऊपर हो रही है बारिश, अभी बाद में रुक के हम कहीं पे रेनकोट्स वगैरह पहनते हैं। एंड लेट्स सी भाई, अपनी राइड करते हैं हम स्टार्ट, एंड फुल पावर भाई। और गाइस, जैसा कि मैं ये कह रहा था कि ये मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट पहली रोड ट्रिप है, वो भी बाइक से। सो इसलिए मैं मोटो ब्लॉग भी कर रहा हूँ। वैसे मोटो ब्लॉग को अपना काम नहीं है, बट कर रहे हैं। एंड साथ में अपने दो भाई भी हैं, जो कि मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हैं, दोस्तों कम भाई हैं पूरे, ठीक है। और एक अपना अमन भाई पीछे बैठे मेरी सीट पे। एंड देखते भाई कैसा होता है पूरा ट्रिप। और कल तो मतलब यहाँ पे हम चढ़े थे, लेकिन आज हम उससे भी आगे पार जा रहे हैं। तो भाई पूरी मतलब कॉर्नरिंग रोड होगी, तो भाई मतलब फुल मज़ा आने वाला है। बाकी देख ही सकते हो गाइस, अभी आगे और दिखाते हैं। पूरी लीने चल रही भाई, और पूरी पूरी लीने। और भाई यहाँ से काफी ठंडी हवा लग रही है अब, और देखो यहाँ से रोड्स भी गीली होगी, मतलब यहाँ पे बारिश हो रही है। और ऊपर तो यार बहुत भयंकर हो रही, मतलब पूरी आंधी तूफान वाला सीन। और अभी तो रोड भी ब्लॉक हो जाएगा फॉग से। सो लेट्स सी भाई, फुल मजा आने वाला है। देख रहे हो गाइस कैसे यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है पूरी। तो यार ऐसे हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट होप्स हो, भगवान अपने साथ है। बाकी लेट्स गो यार। एक तो बारिश के मौसम में हम ट्रैवल कर रहे हैं पूरे मानसून में, आप सभी को पता है सावन चल रहा है यार, और उसमें ट्रैवलिंग मतलब काफ़ी रिस्की है, बट वी डू इट। जा रहे भाई, अभी तो बादलों से भी ऊपर जाना है, बहुत ऊपर है भाई, और वहाँ के व्यूज़ तुम्हें दिखाऊँगा ना भाई, मैं मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो चीज़ें मैं पहली बार खुद देखूँगा। मैंने वो जगह भी बस मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह में देखी है। ना यहाँ पे हल्की हल्की बारिश तो हो रही है, बूंदे बूंदे सी मेरे को फील हो रही है, मतलब एकदम फवारे टाइप वाली। बट भाई व्यू देखो, पूरा व्यू ढक गया, ये पूरा कोहरा यार, ये वाइट वाइट जो भी, आई डोंट नो कैमरे में कैसी वीडियो कैप्चर हो रही है, बट ये पूरा क्या कोहरा ही कोहरा है भाई, उड़ रहा है बादलों की तरह भाई। अगर तुम्हें कोई रोके ना, अगर तुम्हें कोई रोके पुलिस वाला, तो रुक के डॉक्यूमेंट दिखा के हम अगर निकल गए ना, देखो चेकिंग हो रही साइड में। सर लगा रहा, कहीं नहीं जाऊंगा सर, वीडियो ऑन है। गाइस ठुल्लो ने रोका, और भाई आ रहे हैं। मन गाइस हमें चेकिंग पोस्ट पे रोक रहे थे, बट हम भाई खिसक लिए, लेट्स गो।
और यार यहाँ पे देखो कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हो रखी, मतलब पूरे पहाड़ से और यहाँ से कोहरा भी मतलब पूरे रास्ते से अब होना चालू हो गया। ये देखो भाई मतलब भयंकर लैंडस्लाइड है पूरी। एंड बी सेफ यार, बहुत भयंकर। और कोहरा देखो गाइस, मतलब क्या लग रहा है मौसम, सेक्सी। आई डोंट नो भाई क्या मिलता पहाड़ों में आके, बट आज पता लग रहा क्या मिलता है। बाकी लेट्स गो, व्यू चेक मारो बस। हमने ब्रेक लिया था जस्ट, और भाई मेरे पीछे चेक करो भाई, पूरा वाटरफॉल भाई, भयंकर, पूरा मजा आ रहा है। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। यार 50-60 किलोमीटर ट्रैवल किया, वो खड़ी हमारी दोनों बाइक्स, और ये रही भाई हमारी टिहरी लेक। और वहाँ पे अभी हम डोबरा चाटी पुल से होते हुए जाएंगे, और वहाँ पे भाई तुम्हें हट्स दिख रही होगी, वहाँ पे भाई उसका रेंट बहुत ज़्यादा ना, उसमें भी स्टे करते। और भाई देख सकते भाई पूरा पूरा मतलब बहुत भयंकर भाई, मतलब देखने से भी फट रही। और यहाँ पे हम खड़े भाई, मतलब सेफली खड़े हैं लेकिन या। और यहाँ पे वाला थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा है। बाकी यार व्यू चेक मारो भाई तुम, बस पहाड़ हो गया। Let's go भाई, भाई दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, हाँ सो ब्यूटीफुल। बाकी let's go, अभी चलते हैं, देखते हैं थोड़ी फोटो क्लिक करवाते हैं, बाकी डोबरा चाटी पुल जाएंगे एंड let's go। बाकी और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो यार अभी हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रखे, और भाई जिस डोबरा चाटी पुल की बात कर रहा था तो आपको दिख रहा होगा। और ये जो पूरी ये टहरी लेक है भाई, मतलब लेक नहीं भाई, ये पूरा समुंदर है भाई, इतना बड़ा है कि मतलब क्या ही बताएं। एंड भाई तुम व्यू चेक कर सकते हो। और भाई हम ये सारे पहाड़ों को कवर करते हुए आ रहे हैं, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। एंड अभी उस पुल पर ही शॉट किया, आपको शॉट्स आपने देख ही लेंगे। एंड भाई फुल पावर बोटिंग वगैरह हो रही है। बाकी ये अपने व्यास भाई एंड उनकी बाइक, अभी मैं राइड कर रहा हूँ और अपनी बाइक को लेके गया हमारे अमन भाई। बाकी लेट्स गो, चलते भाई। भाई बाकी हम कहाँ पर जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं लमगांव, अभी लमगांव पहली डेस्टिनेशन है। कितनी दूर है यहाँ से? अप्रोक्स 10-15 किलोमीटर है, बट फुल ऑफ रोडिंग है। फुल ऑफ रोडिंग भाई, ऑफ रोडिंग भी देखने को मिलेगी। लेट्स गो, वो भी R15 में और RS 200 में। लेट्स गो भाई, बीस्ट। तो यार चलो चलते हैं, निकलते हैं एंड लेट्स सी, आधा एक घंटे का और रास्ता बचा है। बाकी फुल पावर भाई। बाकी गाइस तुम्हें बाकी भाई की जितनी भी वीडियोस वगैरह है वो तुम्हें इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। यस सर, कलम जोन। यार जैसे कि देख सकते हो ये खड़े पुलिस वाले, अरे तो भोसड़ी वाले हैं भाई, बीच में से उठाना। ये चेक करो यार,
ऊपर आके भाई भाई, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे पूरी ऑफ रोडिंग भाई, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर लिया और अभी राइडर टच कर ले, मैं अपनी आर एस पे आ गया भाई। क्यों चेक करो भाई बस, और अभी तो मतलब अलग ही जन्नत है यार ये। मतलब ये जो बेसिकली एरिया है, जिसका एरिया का नाम लमगांव है, ये जो हमारे भाई है उत्तराखंड से छिद्रवाला से, ये यहाँ पे इनका गाँव पड़ता है। तो भाई मैंने बोला भाई मेरे को इसी प्लेस पर जाना है, तो भाई फुट पावर जा रहे यार। देखो भाई यहाँ की रोड जो तैयार हो गया यार, ऑफ रोडिंग और लंबे लंबे स्ट्रेचेस, भाई मज़ा आ रहा है। बट भाई रोड डेंजरस बहुत है, क्योंकि सिंगल लेन है और यहाँ से ट्रक भाई और वो टूरिस्ट वाली गाड़ी भाई फुल पावर से